हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। स्टूडेंट्स, वी आर हेयर अगेन विद अ चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9th ज्योग्राफी। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में भी हमने बता दिया था, हमने सभी कुछ इसमें हिमालयन का फॉर्मेशन और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ का फॉर्मेशन, इनके फॉर्मेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम डिटेल में वन बाय वन इन सभी फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर को बहुत ही आप ध्यान से वॉच करेंगे, इस वीडियो को वॉच करेंगे, सुनेंगे और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो पहला हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें फर्स्ट नंबर पर सब टॉपिक में हमारा हिमालयन माउंटेन्स है और इस हिमालयन माउंटेन के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हिमालयन जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। तो स्ट्रक्चर में कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। जैसे कि हमने आपको बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का जब कोलेशन हुआ था तो ये जो हिमालयन का स्ट्रक्चर है वो फोल्ड होकर के बना है, इसलिए स्ट्रक्चरली कैसा है, ये फोल्ड माउंटेन है। और जियोलॉजिकली अगर देखें तो वर्ल्ड में और जो दूसरे माउंटेन्स हैं उनमें ये यंग है, यानी बाद में बना है। ठीक है, सेकेंड है लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ लोकेटेड है। एंड रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, यानी अगर हम वेस्ट साइड में देखें तो हमारा इंडस रिवर जो हमारी इंडिया से होती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, और हम ईस्टर्न साइड में देखें तो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारी तिब्बत से होती हुई हमारी इंडिया और फिर देन बांग्लादेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो जो लोकेटेड है हिमालयन माउंटेन वो इन दोनों रिवर्स के बीच में है। एंड हिमालयाज रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये कैसा है, बहुत ही लोफ्टीएस्ट भी है और रगेड माउंटेन है पूरे वर्ल्ड में। और इस ये कवर करता है तकरीबन 2400 किलोमीटर डिस्टेंस, और इसकी अगर विड्थ देखें, हम चौड़ाई देखें तो ये वेरी करती है अलग अलग प्लेसेस पे। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में देखें तो इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हमको देखने को मिलती है, यानी वेरी करती है इसकी जो चौड़ाई है अलग अलग प्लेसेस पर। अच्छा, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, यानी वेस्टर्न हाफ के मुकाबले में, वेस्ट साइड में जो हमारा हिमालयन माउंटेन है उसके मुकाबले में अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, इसकी हाइट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। इन्हीं वेरिएशंस की वजह से जो हिमालयन है इसको हम 3 रेंजेस में डिवाइड कर लिया है। वो कौन कौन सी रेंज है और किस बेस पर है, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पर है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने आपको पहले ही बता चुका है, जो आपका वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो हमारी लैटिट्यूड होती हैं, और जो खड़े में लंबाई में जो लाइंस बनी होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें हिमालय का तो हमने उनको 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। वो रेंजेस कौन कौन सी हैं, डीपली हम उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके नेम देख लीजिए, फर्स्ट उस हिमाद्री या इसी को ही ग्रेट और इनर हिमालया के नाम से भी जानते हैं, यानी जो पहली रेंज है, जो इनर मोस्ट रेंज है, उसको हम हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालया के नाम से जानते हैं। सेकंड, जो बीच वाली है उसको हिमाचल या फिर लेजर हिमालया या फिर मिडल हिमालया के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो है वो हमारी शिवालिक या फिर आउटर हिमालया। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ऐसे देखें तो। इसके अलावा ग्रेट हिमालया यानी सबसे ऊंचा वाला, देन लेजर हिमालया मिडिल वाला, और आउटर हिमालय सबसे बाहर वाला। ठीक है, तो इनको ये 3 नेम्स, हिमाद्री, ग्रेट या इनर हिमालय, एक ही नाम है पहली वाली रेंज का, और सेकंड हिमाचल एंड लेजर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय, और थर्ड हमारा शिवालिक और आउटर हिमालय। स्टूडेंट्स, जरा इस पिक्चर में भी देखिएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है पैरेलल रेंजेस, इस तरीके की रेंजेस, एस यू सेकंड देन थर्ड, तो लास्ट वाली आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहां पर शिवालिक रेंज,
बीच में आपकी जो है वो लेजर हिमालय और सबसे ऊपर वाली जो है वो हमारी ग्रेट हिमालय। तो ये थ्री पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर रखा है हिमालय को, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो सबसे ऊपर वाला है जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। देन आपका हिमाद्री है बीच में, और देन आपका शिवालिक है सबसे लास्ट में, ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है। तो सबसे पहले ये आपके ये फोल्ड हुए, देन सेकेंड नंबर वाले, और देन थर्ड नंबर वाले। ठीक है, किस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था, और हमने बताया था कि इंदस टू ब्रह्मपुत्र इसका ये फैला हुआ है माउंटेन हमारा हिमालयन माउंटेन। तो इंदस रिवर आपको ये दिखाई शो हो रहा होगा, यहाँ से होती हुई ये कश्मीर होती हुई पाकिस्तान की तरफ चली जाती है इंदस रिवर, और यहाँ ये अगर आप देख रह पा रहे होंगे तो यहाँ से निकलती है ये और स्यांपू कहलाती है यहाँ पर तिब्बत में, और तिब्बत से होती हुई फ्री हमारे अरुणाचल प्रदेश, देन ये आसाम होती हुई वेस्ट बंगाल में ये रिवर आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होती हुई हमारी गंगा से मिलती है ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये आप यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रह्मपुत्र रिवर, देन ये हमारी गंगा आ रही है, ये दोनों का यहाँ पर मिल जाती हैं और मिल करके ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, और इससे फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ये बांग्लादेश है हमारी कंट्री से, दोनों रिवर चली जाती हैं इस तरह से होती हुई, यहाँ जाकर मिल जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही थी कि थ्री पैरेलल जो रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारी सबसे ऊपर वाली इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय भी हम इसको कहते हैं, और सेकेंड नंबर हमारी लेजर हिमालय, और थर्ड नंबर हमारी शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट हमारी जो रेंज है हिमालयन रेंज में, हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालय इसको हम कहते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाद्री नाम क्यों पड़ा, हिम हिंदी वर्ड है, हिम मीन्स होता है बर्फ, और आद्री आद्री का मतलब होता है पहाड़, यानी बर्फ़ से घिरे हुए या ढके हुए पहाड़। ठीक है, ग्रेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा है ये वाला रेंज, और इनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पॉइंट में हम यही देख सकते हैं, अगर हिमालयन में हिमाद्री रेंज से स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आता है तो हम लिखेंगे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, यानी नॉर्थ में अगर हम देखें तो सबसे ऊंची वाली जो रेंज है वो हमारी कौन सी है, हिमाद्री। और मोस्ट कंटीन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंची पीक्स हैं, तकरीबन 6000 मीटर एवरेज हाइट तक की पीक्स यहाँ पर हैं। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय आर असीमेट्रिकल इन नेचर, यानी नेचर में कैसी है, असीमेट्रिकल है ये फोल्ड जो हिमालय के हैं, ग्रेट हिमालय के। कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, यानी इसका जो कोर है, कोर के बारे में भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कोर है इसका अंदरूनी पार्ट जो है वो मेड अप ऑफ किससे बना हुआ, ग्रेनाइट से बना हुआ है, एंड इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड, यानी इस बर्फ भी है वहाँ पर, एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज, और यहाँ से नंबर ऑफ ग्लेशियर्स निकलते हैं जिससे बहुत सारी जो रिवर्स है हमारी पेरिनियल फो होकर के आती हैं। अब इस रेंज में बहुत सारी वो रेंजेस भी हैं, बहुत सारी पीक्स भी हैं ऊंची, वो पीक्स कौन कौन सी हैं, सम पीक्स तो हमारी इंडिया में ही लोकेटेड हैं और सम पीक्स हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल में भी लोकेटेड हैं। तो माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है 8848 किलोमीटर, ये नेपाल में है। इसके अलावा कंचनजंगा ये इंडिया में है, इंडिया में भी सिक्किम में है, 8598 इसका वो है ऊंचाई। उसके अलावा मकालू ये नेपाल में पड़ती है, धौलागिरी ये नेपाल में पड़ती है, नंगा पर्वत इंडिया में है, अन्नपूर्णा ये नेपाल में है, और नंदा देवी ये इंडिया में है, कामेट इंडिया में है, नामचा बरवा इंडिया में है, और इसके अलावा गुरला मथाटा ये भी मंधाटा ये नेपाल में है। ठीक है, तो ये आपकी रेंजेस हैं जो किस में है, हिमाद्री में ही है। ठीक है, अब सेकंड रेंज की बात करते हैं हम स्टूडेंट। सेकंड रेंज हमारी हिमाचल लेजर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय है। अब मिडिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बीच में है, लेजर इसलिए क्योंकि ग्रेट हिमालय से नीचा है और हिमाचल प्रदेश लगता है, इसलिए हिमाचल भी कहते हैं इसको। रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, अगर हिमाद्री के अकॉर्डिंग देखें तो साउथ में हुआ क्योंकि नॉर्थ में हिमाद्री है, नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर पे हिमाद्री है।
और कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा इसकी एवरेज एल्टीट्यूड वेरीज देखें तो यहाँ पर भी हमें 3700 मीटर से 4500 मीटर तक का वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एवरेज चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर तक है। इसमें पीर पंजाल रेंज फॉर्म जो है वो लॉन्गेस्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल, इसी में पाई जाती है हिमाचल वाले में या लेजर कह सकते हैं। धौलाधर और महाभारत जो हैं वो दूसरी रेंजेस हैं इसी में ही। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन एक नंबर बनता है पीर पंजाल रेंज किस में है, तो मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय या हिमाचल जो भी आपके पास ऑप्शन होगा आप उस पर ही टिक करेंगे। धौलाधर और महाभारत भी याद रखिएगा हिमाचल हिमालय में ही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ भी हैं जैसे कि आपकी कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली कश्मीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं। वैली क्या होती है, जो टू माउंटेन के बीच में प्लेन एरिया होता है गहराई में थोड़ा, तो वहाँ पर उसको हम वैली कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस होता है। नेक्स्ट हमारा जो रेंज आता है हिमालय का वो आता है शिवालिक या फिर इसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। आउटर मोस्ट रेंज है ये हिमालय की, इसीलिए इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। और ये दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, यानी रिवर के द्वारा जो बहुत सारे सेडिमेंट्स ऊपर से, यानी ऊपर से बोले तो हमारे हिमाद्री और हिमाचल से होते हुए सेडिमेंट्स जो आते हैं नदियों के द्वारा बहा करके लेकर आती हैं नदियाँ, उनसे ये बनते हैं। और इसके अलावा ये हिमालयन रेंज जो है वो लोकेटेड फर्दर नॉर्थ में है। एंड एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज, अगर इस रेंज की एवरेज हाइट की बात करें हम, तो 900 टू 1100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और दे एक्सटेंड ओवर, अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 टू 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ऊपर वाले की हमने क्या देखा था कि 50 किलोमीटर या उससे अबव, और नीचे अब शिवालिक में हम देखें तो 10 टू 50 किलोमीटर, इससे ऊंचा शिवालिक में हमें इसकी चौड़ाई देखने को नहीं मिलती है। शिवालिक में बहुत सारे दून्स भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये बहुत सारे दून्स हैं जो शिवालिक रेंज में ही हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हिमालय वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न में सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवर्स प्ले अ मेजर रोल इन इट्स फॉर्मेशन, ये आपको पहले ही पता है कि जो रिवर्स ऊपर से आती हैं हमारी पेरिनियल रिवर्स जो हैं जो माउंटेन से होकर के आती हैं, उनका काफ़ी अच्छा या मेजर रोल कह सकते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में। अब वो रिवर कौन कौन सी हैं, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग देयर ट्रिब्यूटरी, या तो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इंदस बड़ी सी नदी है, गंगा बहुत बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इनके साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरी भी रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन के लिए। बट क्वेश्चन इज हाउ, कैसे, तो ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ब्रॉट बाय डैम, यानी हिमालय के फुट हिल्स से बहुत सारा एलुवियम, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के ये आती हैं और डिपॉजिट करती हैं प्लेन एरिया में, और इस तरह से प्लेन एरिया का फॉर्मेशन होता है या नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। नॉर्दर्न प्लेन के अगर हम एरिया की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा। स्टेट की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और हमारा बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आता है। अच्छा, इसका 2400 किलोमीटर लॉन्ग और इसके साथ साथ 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड हैं ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स इज डेंसली पॉपुलेटेड, अब ये डेंसली पॉपुलेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसकी अभी रीज़न है बिकॉज यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इसके बाद अबंडेंस ऑफ वाटर है यहाँ पर, यानी सो मैनी रिवर्स जो पेरिनियल हैं, जो होल ईयर वाटर से भरी रहती हैं, होल ईयर वाटर इसमें फ्लो करता है, इसलिए ये अबंडेंस ऑफ वाटर है यहाँ पर और फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल इसलिए क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेकर के आती हैं, इसलिए यहाँ की सॉइल फर्टाइल है और यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से एग्रीकल्चरली जो प्रोडक्टिव पार्ट है इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर के बेस पर हम देखें तो यहाँ इधर का जो पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है किसी भी क्रॉप की, सो दैट यहाँ पर ये जो वो है पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है और हम कहते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स जैसे कि कौन कौन से,
रिवराइन आइलैंड, इसके अलावा दोआब, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरीज़, तो ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम देखते एक एक करके हम ये देखेंगे रिवराइन आइलैंड कौन से होते हैं, दोआब किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट रिवराइन आइलैंड से ही हमें रिवर, यहाँ से देखें तो हमें रिवर देखते हैं हम, रिवर यानी रिवर में जो सेडिमेंट रिवर अपने साथ लेकर के आती है, तो समटाइम रिवर अपने बीच में ही उन सेडिमेंट्स को जमा कर लेती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिवर आ रही है और ये रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रही है। अब यहाँ पर कुछ गहरा पार्ट था, यहाँ पर वो सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा होने लगे खुद ही, यहाँ इकट्ठा होते होते इस तरह से एक तरह से वो बन गया, आइलैंड बन गया, यानी ये ज़मीन बन गई, ठीक है। और आइलैंड क्या होता है, वो लैंड पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है, कवर्ड बाय वाटर ऑन बोथ साइड्स। तो ये इस तरह से यहाँ मिट्टी जमा हो गई, अब रिवर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इधर इधर से इसकी स्ट्रीम्स जाने लगी। तो ये जो है ये क्या बना, ये रिवराइन आइलैंड बना, ठीक है। कैसे बनता है, रिवर अपने साथ बहुत सारा डिपोजिशन लेकर आती है और फॉर्मेशन करती है आइलैंड का बिटवीन द रिवर, यानी रिवर के ही बीच में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज हो जाती है और फॉर्मेशन हो जाता है रिवराइन आइलैंड का, ठीक है। रिवराइन आइलैंड के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड जो है वो कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इससे बड़ा रिवर आइलैंड कोई भी नहीं है। याद रखिएगा कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी में, और नाम क्या है इसका, माजुली आइलैंड, ओके। नेक्स्ट, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से लोअर कोर्स ऑफ द रिवर स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी इस तरह से डिपोजिशन बहुत सारा आया, जगह जगह पे डिपोजिशन हो गया, तो क्या हुआ, ये रिवर जो है वो कई सारे इस तरीके से कैनल्स में डिवाइड हो गई, यानी कई सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई अलग अलग, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटरीज और रिवराइन जो टर्म था वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टर्म है दोआब। दो आब ये फारसी वर्ड है, दो का मतलब है टू और आब का मतलब होता है पानी, ठीक है। तो जो लैंड बिटवीन द टू रिवर इज नोन एज दोआब, यानी दो टू रिवर जा रही हैं, एक इधर जा रही है, बीच में जो लैंड पार्ट है, ठीक है, उसको हम दोआब कहते हैं। अब दो वर्ड से मिलकर, दोआब जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना है, एक तो दो और दूसरा है आब। दो का मतलब है टू और आब का मतलब है वाटर, ठीक है। तो इस तरह से गंगा और यमुना जो दो नदियाँ अलग अलग, गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकल करके जब आती हैं, तो बीच में जो एरिया है लैंड का उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा एरिया जो टू रिवर उसके दोनों तरफ से होकर के जाए और बीच में लैंड एरिया हो, उसको हम दोआब कहते हैं, और इसका मानी होता है दो पानियों वाला एरिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके फॉर्मेशन की बात भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारे पास टू क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज़ पेनिनसुला और सेकंड व्हाट इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है और पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। ये तो हमें मालूम है कि इंडिया का नीचे वाला सदर्न मोस्ट पार्ट जो है वो सब क्या है, हमारा पेनिनसुला एरिया है, ठीक है। पेनिनसुलर एरिया के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो लैंडमार्क्स जो कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, यानी तीन साइड से पानी से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू और टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेबल देखिए ना आपने, ज़मीन से थोड़ी सी ऊँची होती है और टेबल के तरह ऐसा जो लैंड का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, यानी हाई लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात आती है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। स्टूडेंट्स ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये हमारा नीचे का जितना भी पोर्शन है ये इस तरह से गुजरात तक का, ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि पेनिनसुला का मतलब है हमारा वो एरिया, वो लैंड एरिया जो वाटर से थ्री साइड से कवर्ड हो। तो राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और नीचे इंडियन ओशियन है और इधर जो है वो अरबियन सी है, सो दैट ये एरिया जो है वो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम सदर्न एरिया को इंडिया के पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। अब यहाँ पर कई सारे प्लेट्यूज़ हैं जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दक्कन का प्लेट्यू, इसके अलावा मालवा का प्लेट्यू थोड़ा ऊपर देखेंगे हम, ठीक है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं इसलिए हम पेनिनसुलर प्लेट्यू इस एरिया को बोलते हैं।
अब इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो आर टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर के बना होता है टेबल लैंड, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू, और हमारे इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में है इसलिए हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड के बारे के ब्रेकिंग ब्रेक के बारे में और उसके ड्रिफ्टिंग के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, ज़्यादातर यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने क्या पढ़ा, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, बट प्लेट्यूज में कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, जो कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है, द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स। इसमें क्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और शैलो वैलीज भी हैं, इसके अलावा राउंडेड हिल्स भी हैं, गोल गोल राउंड की हुई हिल्स भी हैं। टू ब्रॉड डिवीज़न ऑफ प्लेट्यू, प्लेट्यू के भी दो ब्रॉड डिवीज़न किए गए हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दक्कन प्लेट्यू, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में शो किया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट, अब हम अभी हमारे 3 फिजिकल फीचर्स बचे हैं इंडिया के, उनके बारे में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक